जोरदार बारिश के चलते नेशनल हाईवे 707 पोंटा गुमा सड़क में हेवना के समीप भारी भूस्खलन के चलते आवाजाही बंद हो गई है, जिसके चलते इस सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। जानकारी के मुताबिक देर रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद मंगलवार 10:30 बजे के करीब हेवना के समीप भारी भूस्खलन के चलते सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। नेशनल हाईवे 707 पर काम कर रही कंपनियों का कोई यहां पर पुख्ता प्रबंध नहीं था, जिसके चलते लोगों को आधे घंटे से सड़क बहाल करने का इंतजार करना पड़ा। दरअसल शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा शिलाई में एक बड़ा जागरण आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में लोग आयोजन में पहुंच रहे थे। इसके अलावा कई बसों से भी आवाजाही की जा रही थी, पर भूस्खलन के चलते आवाजाही बंद हो गई और मौके पर मिले लोगों ने बताया कि आधा घंटा से इस सड़क खोलने का इंतजार कर रही है। स्थानीय प्रशासन सहित नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। मौके पर लोगों ने स्थानीय प्रशासन सहित नेशनल हाईवे विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़क को बहाल किया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू ढंग से हो सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पोंटा साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। ऐ मेरे प्यारे बालो फिर से उग आओ सालो तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं। कल तो करा था आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइव टाइम टीवी और मैं ना भूला नहीं यार मैं एकदम से इसको देख रही थी शक्ल लगा के चुप करा दिया। कैंपस के कैंपस के